यूजीसी द्वारा निर्गत 20 अप्रैल वर्ष 2018 के अनुसार 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किए जाने की मांग को लेकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी टू सैन रिजर्वेशन के गोरखपुर इकाई के सदस्यों द्वारा रविवार को टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष मौन प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रमोद कुमार शुक्ला, अमन यादव, संतोष कुमार, अजीत कुमार सहित संस्थान के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा, कैसा मौन प्रदर्शन आज आप लोग द्वारा किया जा रहा है और मौन प्रदर्शन में क्या बोला जाए? स्थिति यह है कि पूरे देश में शिक्षा विभाग में डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, सेंट्रल विश्वविद्यालय सभी में संविधान की अवमानना करते हुए जो अनुच्छेद 340, 41, 42 में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य पिछड़े वर्गों को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है उस पर लगातार ये सरकार हनन करती जा रही है। अभी बीच में इतनी समय लगभग 60% जगहें पूरे देश में विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजों में खाली हैं और नियुक्ति की जहां तक बात है, इन वर्गों का अनुसूचित जात, जनजात और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व 4 से 5% मात्र है इन सारे नौकरियों में। उसके बावजूद एक्ट में बिना परिवर्तन किए और सारे विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उसका आधार ये कहा जा रहा है कि जब 5 पद होगा तब 1 पद अनुसूचित जात को और 4 पद होगा तो 1 पद पिछड़े जात को मिलेगा, जबकि एक्ट में कहीं ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। इसी के खिलाफ पूरे देश में दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, हर फैजाबाद, हर जगह ये आंदोलन किया जा रहा है कि जो हमारा संवैधानिक प्रतिनिधित्व का अधिकार है वो हमको अनुसूचित जात पिछड़े वर्गों को 50% विकलांगों को मिलना चाहिए।